हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में ड्रॉ करने वाला हूँ सेंटा क्लॉज को, और ये रेफरेंस इमेज को मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। इस रेफरेंस इमेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ब्रुस्टो के A4 साइज के वाटर कलर पेपर्स का, और ड्रॉइंग को कलर करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ डोम्स क्वाइल पेंसिल्स का। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को इन तक जरूर देखना। सो लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रेफरेंस इमेज में ग्रिड्स को अप्लाई कर लेंगे, और ग्रिड्स अप्लाई करने के लिए जिस ऐप का यूज़ करता हूँ उस ऐप का नाम है ड्राइंग इट मेकर ऐप। तो आप देख सकते हैं ये मैंने पहले ग्रिड्स अप्लाई कर लिए, और डोंट वरी, इस रेफरेंस इमेज का लिंक विद ग्रिड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। अब एज इट इज सेम सेम ग्रिड हमको पेपर पे भी ड्रॉ कर लेनी है, जैसे यहाँ पर दिख रही है। सो राइट सी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग का मार्क कर लेना होगा 2-2 सेमी छोड़ के, यानी 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के, जैसे 2, 4, 6, 8, ऐसे टोटल हमको 26 तक मार्क कर लेना होगा ऊपर और नीचे दोनों साइड। अब एज इट इज सेम टू सेम हमको यहाँ पे मार्क करना है, बट यहाँ पर थोड़ा कम मार्क करना है, जैसे 2, 4, 6, 8, ऐसे टोटल हमको 18 तक मार्क कर लेना होगा लेफ्ट और राइट दोनों साइड। ओके, सब इन मार्क करे डॉट्स को हम लोग लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए आप यूज कर रहा हूँ HB पेंसिल का ग्रिड्स को ड्रॉ करने के लिए। बस ग्रिड को ड्रॉ करते समय आपको काफ़ी लाइट प्रेशर अप्लाई करना है पेंसिल के ऊपर, क्योंकि ग्रिड्स को हम लोग को एंड में इरेज ही करना होता है। तो कुछ इस टाइप से आप ग्रिड्स को ड्रॉ करना, ताकि आप उसको ईजिली इरेज कर सको। ओके, सब मैं अपना नंबरिंग कर दूंगा, जिससे मुझे काफ़ी इजी रहेगा फेस और आइज दोनों को फाइंड करने में। तो ऊपर के लिए हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 से लेकर 10 तक, और नीचे के लिए हम लोग को नंबरिंग करना है 1 से लेकर 14 तक। ओके, तो जैसा आप सबको पता है कि हमेशा मैं आइज से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ, तो अब इस आइज को हम लोग को पेपर फाइंड करना है कि जो आइज है पेपर के एग्जैक्ट किस बॉक्स पर है, किस लाइन पर है। सो लेट सी। ओके, से पर मैंने आइज फाइंड कर लिए, तो ऊपर से जो आइज है वह 1, 2, 3, 4 फोर्थ बॉक्स पर, और नीचे जो आइज है वह 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ बॉक्स पर। तो आप काफ़ी अच्छे से फोटोग्राफ को ऑब्जर्व कर और वीडियो को देखकर सेंटा क्लॉज की आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। Thank you.
ओके तो सेंटा क्लॉज की आउटलाइन ड्रॉ हो चुकी है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जो कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जो कर देना। तब तक के लिए कीप ड्राइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैरी क्रिसमस।